नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं A1 न्यूज। मैं हूं शिवम। फिर एक आज नई खबर के सामने आपके साथ हाजिर हूं। खबर है कि जो देश के चौथे स्तंभ है पत्रकार, उन पे उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है। सबसे पहले हम याद करें जिस जिला के हैं, सिवान जिला के ही पत्रकार रजदेव रंजन जी की हत्या कर दी गई। उसके बाद एक मनीष सिंह नाम के पत्रकार की हत्या कर दी गई। उसके बाद फिर एक और पत्रकार की हत्या कर दी गई। फिर चौथे में अविनाश जी की हत्या 2 रोज पहले कर दी गई, जो सेम मेरी ही उम्र के थे और युवा पत्रकार थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। सवाल यह है कि अगर देश के चौथे स्तंभ में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। बिहार में तो लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, सबको पता है, लेकिन उसमें पत्रकार को टारगेट क्यों किया जा रहा है। जो कुछ लोग उंगली उठाते हैं पत्रकारों पे, उनके लिए हम आपको बता दें कि अगर पत्रकार सच्चाई नहीं दिखाया तो फिर आखिर उनकी हत्या क्यों की गई। पत्रकार ईमानदारी पूर्वक खबर नहीं दिखाया तो फिर आखिर उनकी हत्या क्यों की गई। इस सवाल उन लोगों से है जो पत्रकार को बदनाम करते हैं। हां, कुछ पत्रकार बदनाम लायक है, जो चाटुकारिता करते हैं वो पत्रकार बदनाम लायक है, लेकिन सभी पत्रकार बदनाम लायक नहीं है कि कोई किसी का जाकर चाटुकारिता करता है। कुछ लोग हैं जो जाकर चाटुकारिता करते हैं। अगर ईमानदारी से अविनाश झा खबर नहीं दिखाए होते अस्पताल का, दवा दुकान का, तो शायद उसकी हत्या नहीं हुई होती। हाल तो यह हुआ कि उन्होंने सच्चाई दिखाया, उसके बाद उनकी किडनैपिंग की गई, उसके बाद उनको तड़पा तड़पा कर मारा गया। और आज कोई भी नेता, कोई भी लोग उनके साथ खड़ा नहीं है। और उसके बाद अगर खबर नहीं दिखाए रहते तो लोग बोलते कि हाँ ये दलाल है, ये है, वो है, कुछ कुछ अलग अलग टिप्पणी उनपे करते। लेकिन सवाल यह है कि जब तक ईमानदारी से दिखाया उन्होंने खबर, तब उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए देश में पत्रकार ईमानदार हैं, कुछ हैं जो चटुकरता है, लेकिन सभी ऐसे नहीं है, सभी पत्रकार ईमानदार हैं, कुछ उसमें से हैं। हाल तो यह है कि पत्रकारों की हम बात बता दें, पहले तो ये कहावत है भोजपुरी में कि आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भैया पारा पारी। ये कहावत उन पत्रकारों के है लिए है जो पत्रकार की हत्या होती है या पत्रकार के साथ कुछ होती है तो जो विरोधी पार्टी है या जो हत्या करता है उसके पीछे जाके घूमते हैं, उसकी चाटुकारिता करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं उनसे कि आज मेरी बारी है तो कल आपकी बारी हो सकती है, और उस समय शायद वह नेता या वो अपराधी आपके साथ नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ वो पत्रकार आपके साथ होगा, अगर आपके साथ कोई घटना घटता है तो। लेकिन उनको कौन समझाए, उन पत्रकारों को जो चाटुकारिता करते हैं। कई हम अपने आंखों से देखे हैं कि जो गुनाहगार है, पत्रकार के गुनाहगार है, पत्रकार की हत्या में उनका नाम है, शामिल है, उसके बावजूद भी उनकी चाटुकारिता करते हैं। तो कल आपकी बारी हो सकती है तो आपके साथ कोई नहीं होगा उस समय। इसलिए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा बढ़ाया जाए और पत्रकारों को साथ कदम से कदम मिलाकर सुरक्षा दिया जाए, ताकि पत्रकार सुरक्षित रहे और सुरक्षित होकर खबर दिखा सके। क्योंकि लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता किस प्रकार सुरक्षित रहती होगी, आप सभी को पता होगा। बिहार में एक पत्रकार हैं जो आपको बता दें कि उनका परिचय हम बता दें, सबको जानता होगा, मनीष कश्यप। वो बिहार ही नहीं बल्कि और जगह भी जाके और राज्य में जाके भी दिन जाके एकदम दिन दोपहर में किसी के सामने भी एकदम बोलने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। किसके लिए? तो आम जनता के लिए, आम जनता की आवाज बनकर लड़ते हैं। तो उनको कुछ लोग बोलते हैं कि ये है, गलत है, उनको कुछ समझ नहीं आता, पत्रकारिता वैसे नहीं किया जाता है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कैसे किया जाता है, आप ही बताइए, आप ही क्यों नहीं चलाते वैसा खबर। अगर शायद वैसा 10 पत्रकार हो जाए पूरे भारत में तो पूरा देश सुधर जाएगा। लेकिन हाल यह है कि जो केकड़ा वाला हाल होता है, अगर केकड़ा कोई ऊपर चढ़ रहा है तो पीछे वाला केकड़ा उसका पैर पकड़ के नीचे गिराता है। तो वही हाल है बिहार का, खासकर बिहार का वही हाल है। और जिस तरह अविनाश झा की हत्या हुई है, काफी निंदनीय घटना है, और निंदनीय घटना को A1 न्यूज दुख व्यक्त करता है, उस परिवार को भी संवेदनाशील व्यक्त करता है,
और उनकी आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, क्योंकि युवा पत्रकार थे एकदम सेम मेरे ही जैसे युवा थे। और उनकी हत्या के बाद काफी आदमी को अंदर से खून खौल उठा है कि अगर पत्रकार की हत्या हो जा रही है और पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। बिहार में सुशासन की सरकार है, सुशासन में सरकार में पत्रकारों की हत्या बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। सबसे पहले सिवान में राजदेव रंजन जी की हत्या हुई, उसके बाद मनीष सिंह की हत्या हुई, फिर एक हरीश वृद्धि को जी है उनकी हत्या हुई, और फिर अविनाश झा की हत्या हुई, और वो भी तड़पा तड़पा कर हत्या की जा रही है पत्रकारों की। क्या कहा जाए उन अपराधियों को, उन अपराधियों की भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ आखिर इनको हत्या क्यों कर, वो भी किसी से सुपारी लेके हत्या करते होंगे, उनको तो कोई टारगेट है नहीं, लेकिन किसी से सुपारी लेके किसी से पैसा लेके उन पत्रकारों की हत्या कर रहे हैं। आखिर पत्रकार क्या बिगाड़े हैं, सच्चाई ही ना दिखाया था उन्होंने, अस्पताल का या दवा दुकान का सच्चाई ही दिखाया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से, केंद्र सरकार से, वो बिहार सरकार से, कि पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए। और फिर से एक बार उन चाटुकार लोगों से बोलना चाहता हूं कि पत्रकार का साथ रहिए, पत्रकार के साथ अगर कोई घटना हो रहा है तो उनके साथ कदम से कदम मिला के चलिए, नहीं तो अगले बार अगर आपके साथ कोई घटना हो सकता है तो आप भी वैसे ही मारे जाइएगा और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल देखते रहिए A1 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।